Assalamu alaikum, class 3. Good morning. Today we are going to start a new chapter of your English book, unit number 7, The Kind Gorilla. A kind gorilla, yani ek rahamdil gorilla. One day a little boy and his mother went to a जू. एक दिन एक छोटा लड़का और उसकी अम्मी जू की सैर को जाती हैं. सडनली द बॉय रैन अहेड ऑफ हिज मदर. अचानक से क्या होता है, वो लड़का भागने लग जाता है, यानी अपनी अम्मी से दूर भागने लग जाता है. बिफोर एनीवन कुड स्टॉप हिम द बॉय क्लाइम्ड ओवर द 4 foot रेलिंग अराउंड द गोरिला एग्जिबिट. इससे पहले कि कोई उस बच्चे को रोक पाता, क्या हुआ कि वो बच्चा चढ़ गया. कहाँ चढ़ गया, उस जगह पर, उस जंगले पर जहाँ पर गोरिलास रहा करते थे. समवन शाउटेड, कोई उस बच्चे को देखकर चिल्लाया. लुक, देखो. द बॉय इज क्लाइंबिंग द रेलिंग, वो लड़का रेलिंग पे चढ़ रहा है. एज द विजिटर्स वॉच्ड हेल्पलेसली द लिटिल बॉय ड्रॉप्ड 18 feet इंटू द गोरिला पिट. इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो छोटा लड़का कहाँ गिर गया, उस जगह पे अंदर गिर गया जिस जगह पे गोरिलास रहते थे. हिज हेड हिट द कॉन्क्रीट फ्लोर विद अ थंप एंड ही ले मैन मोशनलेस. ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका हेड जो था वो वहाँ पे मौजूद एक पत्थर से, कॉन्क्रीट मींस पत्थर के फ्लोर से जाकर टकराया और वो मोशनलेस होके गिर गया, यानी उस लड़के ने अंदर गिरने के बाद कोई भी हरकत नहीं की. 7 गोरिलास लिफ्ट इन द पिट. उस गोरिला, उस जगह पर, यानी जिस जगह पे गोरिलास रहते थे, उस जगह पे तकरीबन 7 गोरिलास मौजूद थे. They heard the thump and went to find out what it was about. उन सब ने ये आवाज़ सुनी और भागने लग गए देखने के लिए, यानी वो देखने के लिए आए कि किस चीज़ की आवाज़ थी. The first gorilla to reach the boy was Binti. यानी जो गोरिला सबसे पहले उस लड़के के पास पहुंची, उस गोरिला का नाम था बिंती. A mother gorilla with a baby gorilla on her back. बिंती कौन थी, बिंती एक मदर गोरिला थी, बिंती का एक छोटा सा बेबी भी था जो उसकी बैक पर बैठा हुआ था. As बिंती picked up the boy, the other gorillas came towards her. जैसे बिंती ने उस बॉय को पिक किया, यानी उठाया, उसी तरह वैसे ही सारे गोरिलास उसकी तरफ बढ़ने लगे. बिंती टर्न अवे फ्रॉम डैम एंड हेल्ड इन ऑन टू द चाइल्ड. बिंती ने उस लिटिल बॉय को पकड़ लिया और वो उन बाकी सारी गोरिलास से दूर जाने लगी. अ फ्यू जू कीपर्स वर हैविंग लंच नियर द गोरिला एग्जिबिट. जू कीपर्स हम उन्हें कहते हैं जो जू की देखभाल करते हैं, यानी जू के एनिमल्स को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं. जू कीपर्स जो कि लंच कर रहे थे किस जगह पर, उसी गोरिला के पिंजरे के आस पास, वन ऑफ देम क्राइड, उनमें से एक चीखा या चिल्लाया या रोया. लुक, बिंटी इज होल्डिंग अ ह्यूमन चाइल्ड. उसने क्या कहा, यानी चीखते हुए उसने कहा कि देखो, बिंती के हाथ में एक इंसान का बच्चा है. इट इज़ नॉट मूविंग और मेकिंग अ साउंड, जो कि बिल्कुल मोशनलेस है, यानी कोई हरकत नहीं कर रहा है और ना ही मूव हो रहा है और ना ही उसकी कोई आवाज़ आ रही है. हाउ डू वी सेव द चाइल्ड, किस तरह से हम उस बच्चे को बचा सकते हैं. आस्क एवरी वन, सब ने एक दूसरे से पूछा. वी शुड नॉट फ्राइटन द एनिमल. सब ने क्या मशवरा किया, कि सब ने क्या आंसर दिया, कि हमें इस एनिमल को डराना नहीं चाहिए. शी इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन ईजली हर्ट द बॉय, यानी उस छोटे बच्चे के सामने ये गोरिला या मदर गोरिला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है. द जू कीपर्स वर आल्सो नॉट श्योर व्हाट द अदर गोरिलास माइट डू. इसके अलावा जू कीपर्स को ये भी नहीं पता था कि बाकी सारे गोरिलास क्या करेंगे.
वुड दे ट्राई टू टेक द बॉय फ्रॉम बिंती, यानी क्या बाकी सारे गोरिल्लास बॉय को बिंती से लेना चाहेंगे? वुड दे इंज्योर हिम, क्या वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? नन हैड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, कोई भी इस क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहा था. समवन हैड द आइडिया ऑफ स्प्रेइंग वाटर बिटवीन बिंती एंड द अदर गोरिल्लास, किसी ने मशवरा दिया या एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम वाटर को स्प्रे करें बिंती और अदर गोरिल्लास के दरमियान में, ताकि जितने गोरिल्लास हैं वो वाटर बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकें और बिंती तक नहीं पहुंच सकें. द अदर गोरिल्लास वुडंट क्रॉस द वाटर बैरियर. एवरीवन वाचिंग द सीन वंडर्ड व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, सब देख रहे थे ये सीन बहुत ही तजस्सुस के साथ और सस्पेंस में थे कि अब क्या होता है. बिंती वॉज टेकिंग गुड केयर ऑफ फ्रॉम बिंती सेफली. द जू कीपर हैड टू फाइंड अ वे टू टेक द, यानी जू कीपर्स जो थे उन्होंने कोशिश करने लगे किस तरह से उस बच्चे को बचाया जाए. सडनली बिंती स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर ऑफ द गोरिल्ला एग्जिबिट. बिंती क्या करती है, वो डोर की तरफ यानी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है गोरिल्ला एग्जिबिट. बिंती गोरिल्ला के जो पिंजरे का दरवाज़ा होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है. कैरिंग द बेबी इन हर आर्म्स, और वो बेबी यानी वो जो लिटिल बॉय होता है वो उसके आर्म्स में होता है यानी उसके हाथ में होता है. एवरीवन हेल्ड देयर ब्रीथ, हर कोई इंसान जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, लोग जो घूमने के लिए आए हुए होते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं यानी रुकी हुई होती हैं. टू देयर सरप्राइज बिंती प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर राइट नेक्स्ट टू द डोर. किस वजह से सांसें रुकी हुई होती हैं, कि बिंती जो है वो उस चाइल्ड को उस फ्लोर पे रख देती है यानी उस डोर से बाहर जो जगह होती है जिसको हम फ्लोर कहते हैं वहाँ पे वो उस लिटिल बॉय को रख देती है. द जू कीपर्स ओपन द डोर जेंटली. जू कीपर्स क्या करते हैं, आराम से दरवाज़ा खोलते हैं एंड लिफ्टेड द चाइल्ड आउट ऑफ द एग्जिबिट, और उस चाइल्ड को एग्जिबिट से निकाल लेते हैं यानी उस पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं. अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वॉज ऑलरेडी देयर, वहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम पहले से ही मौजूद होती है. दे चेक द बॉय फॉर साइंस ऑफ लाइफ, वो चेक करते हैं कि वो लड़का जिंदा है या नहीं. He was breathing, यानी वो लड़का या वो little boy जो होता है वो breathe कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है. He was still alive, वो अभी तक जिंदा होता है. The ambulance rushed him to a nearby hospital, ambulance में डाल के उस little boy को hospital ले जाया जाता है. He had a serious injury, but he recovered fully, उसको बहुत serious चोटें आई हुई होती हैं वो, यानी वो लिटिल बॉय बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है यानी बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है. डिड बिंती नो दैट द चाइल्ड वॉज इंजर्ड एंड नीडिड हेल्प, क्या बिंती को ये पता था कि ये लड़का जो है ज़ख्मी है और इसको मदद की ज़रूरत है. इज़ दैट वाई शी पुट हिम नियर द डोर सो दैट द ह्यूमन्स कुड टेक केयर ऑफ हिम, क्या उसने इसी वजह से लड़के को वहाँ रखा था ताकि ह्यूमन बींग्स उसकी हेल्प कर सकें या उसकी देखभाल कर सकें. और वॉज शी प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम द अदर गोरिल्ला, या फिर ये वजह भी हो सकती है कि क्या पता वो उसे दिगर गोरिल्लास जो पिंजरे में मौजूद थे वो उस लिटिल बॉय को नुकसान पहुंचाते, तो वो उस लिटिल बॉय को बचाने की कोशिश कर रही थी. मे बी बोथ, ये दोनों वजह भी हो सकती हैं. वी विल नेवर नो, हम नहीं जानते कि क्या वजह थी.